Rifles. We have the Assam Rifles Marching Contingent, led by Major Mohammed Ali Shah. President, Major Mohammed Ali Shah, Sentinels of the Northeast. They have won 3 Ashok Chakras, along with numerous other awards. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आज आपके सामने मैं लेकर आई हूं बहुत खास मेहमान, मेरे दोस्त, मेरे साथी फौजी अफसर मेजर मोहम्मद अली शाह। मेजर मोहम्मद अली शाह को वेलकम करने से पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ बता दूं। फॉर्मर आर्मी ऑफिसर हैं, सेकेंड जनरेशन, यानी कि इनके फादर वो भी फौज में थे, लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक से रिटायर हुए हैं। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक्स इन्होंने दी हैं। दिस इज अ यूनिक डिस्टिंक्शन दैट मेजर शाह हैज। दुनिया की सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक्स दी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मच इन डिमांड। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोगों को मोटिवेट करती हैं तो किस तरीके से, जो हमने स्कूल में एक पोयम पढ़ी थी ना, तमसोमा ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ये इनका है पूरा फोकस कि किस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट करें कि भाई कोरोना के टाइम पे या बुरे जब वक्त आता है उस समय आप अपसेट ना हो और इस तरीके से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सारी खूबियां हैं, हम डिस्कस करेंगे। ये बॉलीवुड के उभरते सितारे हैं, इनसे बात करेंगे इनकी फिल्मों के बारे में और आज ये क्यों हैं यहाँ पे। मेजर मोहम्मद अली शाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद मेरे को यहाँ पे लाने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच। नहीं, यू वेरी वेलकम। अली, एक बात बताइए मुझे, तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि आपका किस तरीके से हुआ फौज में आना। आपके फादर फौज में थे इसलिए आप फौज में गए, अंदर से कोई मोटिवेशन था, कुछ अंदर से आग लगी दिल में कि नहीं यार मुझे कुछ करना है और फौज में जाना है, जैसे होता है ना लोगों को एक जुनून सा होता है सवार के, नहीं अब तो वर्दी पहननी है। क्या हुआ था, स्टोरी क्या थी आपकी? सर दरअसल हुआ यूं कि बचपन से मेरे को जिंदगी में पहली मरतबा मोहब्बत हुई थी जब मैं 5 साल का था। अच्छा। और किस चीज से मोहब्बत हुई थी? ऑलिव ग्रीन फौजी वर्दी से और रंगमंच से भी, थिएटर से भी। तो मैं बड़ा हुआ वो सपना लेके कि भाई फौज में जाऊंगा। और मेरे को अभी भी याद है बचपन में मेरे जब फादर कमांड कर रहे थे रेजिमेंट, जब कर्नल साहब थे, तो मैं उनकी जोंगा, तब जोंगा थी, जोंगा जीप, जोंगा के आगे बैठना पसंद करता था कि, और मैं अगर एमए जा रहे हैं बाय चांस तो एमए में आगे बैठ गए, अगर वहां पे संतरी सल्यूट मारे तो आज दिन बन गया, इसको लगा भाई मैं ऑफिसर हूँ। तो ये जुनून मेरे ख्याल से वहां से शुरू हुआ। और वैसे ही बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा खानदान असल में 200 साल से फौज में खिदमत कर रहा है। तो हालांकि मेरे दादा जान सिविल सर्विसेज में आए थे और उसके मेरे फादर ने वो परंपरा दोबारा कंटिन्यू करी थी। तो मेरे एंसेस्टर्स वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के भी वेटरन रह चुके हैं। तो मगर हुआ यूं सा, 12वीं के बाद मेरा एनडीए एग्जाम में दाखिला फेल हो गया मैं एंट्रेंस टेस्ट में सर। अच्छा। फिर ग्रेजुएशन करी मैं खास पूना गया कॉलेज करने के लिए। पूना इसलिए गया क्योंकि एनडीए वहां पे था जहां पे मेरा दाखिला नहीं हुआ था। मेरे फादर मेरे आदर्श रह चुके हैं, अभी भी हैं और रहेंगे, और उनके छोटे भाई एफटीआईएफ, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना से पास आउट हुए थे। तो दोनों की जिंदगी मैं करीब से देख लूंगा। उसका असर भी ये हुआ कि कॉलेज के बाद मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के लिए ट्राई किया, मगर 2 बार 2001 में और 2002 में नाकामयाब रहा सर। 2001 में पंकज त्रिपाठी जो आज मशहूर एक्टर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त रह चुके हैं 2001 से, अभी भी हम टच में हैं, हमने साथ में काम भी करा, एक फिल्म में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म थी। तो उनको मैंने तभी कह दिया था कि तुम्हारा बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होगा, और आज देखिए पंकज त्रिपाठी को सब कौन नहीं जानता। फिर मैंने किसी ने मेरे को सलाह दी, तुम्हारा खानदान 200 साल से फौज में खिदमत कर रहा है, तुम्हारे वालिद साहब फौज में जनरल साहब है, कुछ देशों में जैसे इसराइल, कोरिया, सिंगापुर में तो कंपलसरी है फौज में जाना कुछ चंद एक साल के लिए, तो आप फौज में जाओ 5 साल के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन करो, और फौज विल मेक यू रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इसके अलावा जो एक्टिंग में भी देश सेवा की भावना तो रहेगी, बिल्कुल, हम सब वी ऑल आर पेट्रियोटिक, और आप सर पेट्रियट सील करते, वो एंकर भी करते हैं, सब दुनिया जानती है इसके बारे में, तो उससे एक पेट्रियटिज्म भी आपका रहेगा। और फौज क्या सिखाएगी एज एन एक्टर, अगर आपको बाद में फौज बंबई आना है, कमांडो ट्रेनिंग अगर आप कमांडोस करेंगे तो
अगर पैरा एसएफ में जाते हैं तो फिर आपको खैर कमांडो ट्रेनिंग वहीं मिल जाएगी। इसके अलावा हॉर्स राइडिंग एंड पोलो, डीप वाटर डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हैंग ग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, पैरा जंपिंग, पैराशूटिंग, किसी ने समझाया तुम्हें भी ये सब भी सीखने को मिलेगा। तो वो बात मेरे को समझ में है और फिर मेरा दाखिला हो गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में। फिर मैं वहां गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर में खिदमत करी 2 साल, मणिपुर नागालैंड में था मैं 3 साल, नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल्स के साथ। एक कमेंडेशन कार्ड मिला जो जो कि मैंने बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था। मेरी जो मेरे जवान थे, मेरे साथी थे, पूरा काम उन्होंने करके दिया सर। उनका अवार्ड ये भी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा ट्रेट है कि आपको कार्ड मिले और आप बोले कि मैं डिजर्व नहीं करता था, मेरे जवान डिजर्व। इसका मतलब अली, जो फौज ने आपको सिखाया वो दिल से बाहर नहीं गया। आप माया नगरी बंबई में है लेकिन जो ओटीए की ट्रेनिंग और जो आपकी रेजिमेंट की ट्रेनिंग थी वो अभी तक दिल में है कहीं ना कहीं आपके। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। तो फिर आपने फौज छोड़ी और आपने जैसे बोला कि आपके फादर के यंगर ब्रदर, आपके फादर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब, इज अ लेजेंड इन हिज ओन राइट, किताबें लिखते हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं और काफी उनको कोट भी करा जाता है आर्मी में। ही इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड एंड अ वेल नोन फिगर इन द आर्मी एंड इवन आउटसाइड। मैं जानना चाहता हूं उनके छोटे भाई जो एक बहुत बड़े एक्टिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, नसीरुद्दीन शाह साहब, तो आपके पास तो वो यू नो फैमिली में वो जीन्स हैं, यू नो एक्टिंग की भी जीन्स है और सोल्जरिंग की तो आपने बोला कि 200 साल से है। तो आपने फौज छोड़ के जब आप गए वापस कैंट के गेट से बाहर निकले तो फिर आपने बोला कि साहब वो अपना जो स्टेज का जो पैशन है या सिनेमा का जो पैशन है वो मुझे परस्यू करना है किसी भी तरीके से, आई हैव टू परस्यू इट। फिर वही फौजी शिद्दत के साथ उसके पीछे लग लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोला आपने। और क्योंकि सर जैसे अगर कोई पेट्रियट है, आप खास जानते होंगे सर, जरूरी नहीं है कि फौज में ही आके पेट्रियटिज्म दिखा पाओगे। जो टीचर्स हैं वो अपनी देश सेवा कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं आज की तारीख में वो देश सेवा कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं सोचा कि अभी मैं 5 साल कर लिए हैं फौज में और हैड आई वांटेड टू कंटिन्यू और परमानेंट कमीशन भी मिल जाती, मगर मैं कहा जिस भावना के साथ मैं आया था कि 5 साल करूंगा, फौज का तजुर्बा लेऊंगा और फिर मैं बाहर जाके अपना करिश्मा दिखाऊंगा दुनिया को, तो वही मैंने सोचा कि मैं इसी पे स्टिक करता हूँ। फिर जब मैं फौज पिछले आखिरी 6 महीनों में मेरा दाखिला हो गया था IIM कलकत्ता में, वो भी फौज के थ्रू, डीजी रिसेटलमेंट कोर्स के थ्रू। तो फिर मैंने IIM कलकत्ता से मैनेजमेंट करी, फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो गई मेरी, मैं उस कंपनी में काम करा 4 साल, फिर महिंद्रा महिंद्रा में गया मैं तकरीबन 1 साल। ऐसे करते करते फिर जब मैं बंबई पहुंचा सर, दिलचस्प बात यह है जिस दिन मैं बंबई पहुंचा था उसी दिन मेरे को एक बहुत बड़े बैनर की फिल्म मिली, वो थी विशाल भारद्वाज। शुक्रिया सर। वो थी विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर, हैमलेट इन कश्मीर। और मेरा शुरू में रोल था बिल्कुल शुरू के 15 मिनट पे, जब हैदर, जब फौज आती है और हैदर के फादर को उठा के ले आती है वहां से, तो एक मेजर साहब होते हैं बड़ी बड़ी मूंछों के साथ जो कहते हैं नो ब्लडी मिलिटेंट डेड ऑर अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ, पार्टी लोड रेडी फायर। एंड फिर जब हैदर का घर उड़ाया जाता है, और ये डायलॉग सर आप भी जानते हैं, डायलॉग नहीं है ये, हमारे हकीकत की लाइन थी, आपने भी इस्तेमाल करी होगी, मैंने भी, हम सब ने करी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरेंडर कर दो, तुम्हें भारतीय कानून के तहत अपने आप को बचाने का पूरा मौका दिया जाएगा। हथियार अंदर छोड़ के बाहर आ जाओ। मारे जाओगे। अंदर सिर्फ अखलाक लतीफ जिंदा है, बाकी 2 मिलिटेंट मारे गए, रेनफोर्समेंट भेज दे। नो ब्लडी मिलिटेंट डेड ऑर अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ।
हमारा ये मानना होता है कि फौज में से सर आप जानते हैं जो दर्शक हैं उनको बता दूं कि फौज में हमारा एक भी बंदे को खरोच नहीं आनी चाहिए, एक भी जवान को खरोच नहीं आनी चाहिए, ये क्योंकि द सेफ्टी ऑनर वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। एब्सोल्युटली 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 दैट इज ये मूल मंत्र फौज का यही है। चटवुड क्रेडो तो यही कहता है द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट एंड द सेफ्टी ऑनर वेलफेयर ऑफ द मेन यू कमांड कम्स नेक्स्ट। तो खुद तो आप लास्ट आते ही आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, तो आपने हैदर में करा और आपने हैदर में यू प्लेड अ फौजी ऑफिसर, और उसके बाद और कौन कौन सी फिल्मों का सफर रहा आपका और कौन कौन सी मूवीज में आपने एक्टिंग करी? सर दरअसल मेरा सफर शुरू हुआ लेट 90s अर्ली 2000 में, मैं पुणे में था कॉलेज करने के लिए, तब वहां पे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, और मैं ईमानदारी की बात यह है कि मैं ज्यादा वक्त गुजारा है FTII में अपने कॉलेज से ज्यादा, वहां पे विजडम ट्री के नीचे शांताराम पॉन्ड में शूटिंग करते हुए, और जिस क्योंकि वो छोटी फिल्में बनाते हैं स्टूडेंट फिल्म्स, हर बहुत सी फिल्मों में मैंने वहां पे काम करके बहुत सीखा क्राफ्ट के बारे में, और जहां मेरे लिए रोल नहीं था सर वहां पे कैमरा उठा के ले आना, ट्रांसफर करना, ट्राइपॉड उठा के ले आना, रिफ्लेक्टर्स पकड़ना, सेट पे सबको चाय पिलाना, स्नैक्स देना, पानी पिलाना, उस तरीके का इन अ वे अ ग्लोरिफाइड स्पॉट बॉय, वो काम भी मैं सीखा वहां पे। एडिटिंग करने के लिए मेरे को अनुमति मिल गई थी कि एडिटिंग कैसे होती है वो सीखूं मैं, डबिंग कैसे होती है वो सीखूं, फिल्म कैसे बनती है जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो सीखे। और अच्छी बात ये हुई सर, मेरा इंटरेस्ट देख के उस टाइम जो डायरेक्टर थे डॉक्टर मोहन अगाशे साहब, उन्होंने मेरे को एक रिकमेंडेशन लेटर लिखा हैंड रिटन साइन बाय हिम, और एक सर्टिफिकेट है आज की तारीख पे मेरे पास विदाउट गेटिंग एनरोल्ड इन FTII, एक सर्टिफिकेट है मेरे पास FTII का। तो मैं सफर शुरू हुआ तब लेट 90s अर्ली 2000 में, तब मेरा 30 मिनट की फिल्म थी, 30 मिनट में उसमें मेरा 5 सेकंड का रोल है सर, 5 सेकंड का। फिर उसके बाद मैंने एजेंट विनोद में एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है जो मर जाता है बाद में, फिर हैदर मिली, फिर उसके बाद मेरे को बजरंगी भाईजान मिली मेरे को, और अब लोग बोलेंगे तो भाई बजरंगी भाईजान में कहां थे, इतना छोटा रोल है ना सर, इतना छोटा रोल है कि कोई इसको नोटिस भी नहीं करेगा सर। उस टाइम मेरे को मिली 11, वो तिग्मांशु धुलिया साहब जिन्होंने पान सिंह तोमर, साहेब बीवी, गैंगस्टर, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है उनकी फिल्म, रामाधीर सिंह, रामाधीर सिंह गैंग्स ऑफ वासेपुर के, करेक्ट सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ तिग्मांशु धुलिया। जो हासिल बनाई है ना, हासिल एक आइकॉनिक फिल्म है, और हासिल वही लोग समझ सकते हैं जो लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर वाली बेल्ट के जो लोग हैं ना, दे कैन अंडरस्टैंड द ईथोस ऑफ दैट फिल्म बेटर। वो आई थिंक तिग्मांशु धुलिया हैज स्पेंट हिज लाइफ इन इलाहाबाद, सो ही कीप्स ऑन मेकिंग सच मूवीज, बट आई नो हिम एज रामाधीर सिंह, आई हैव नेवर हैड द ऑनर ऑफ मीटिंग हिम, बट अच्छा। तो एक बात बताइए, 11 फिल्म में आप अभी, तो 11 फिल्म में आपने एक सिख का रोल पोर्ट्रे करा है, आपने एक सरदार जी का रोल पोर्ट्रे करा है हु इज अ कॉप, पर आपने जो उसकी आपने स्टोरी बनाई ना, कैसे मोहम्मद अली शाह एक रोल के लिए सिख बना, इसके बारे में जरा अली टेल मी, टेल आवर व्यूअर्स इनफैक्ट, क्योंकि वो इतनी फैसिनेटिंग स्टोरी है कि मैं सोच रहा हूं, जब से आपने बताया ना 3-4 दिन पहले से, तब से मैं सोच रहा हूं यार अली ने ऐसा कैसे करा होगा, करा क्या बताओ सर। हुआ यूं कि अनलेस वी आर डिप्राइव्ड, हमको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती, और जितने लोगों ने बड़ा, जितने भी लोग बड़े बने हैं सर जिंदगी में, सबने छोटे से शुरू करा है, जिसको विरासत में मिल गया वो डगमगा गया है कहीं ना कहीं सर। अब देखिए सर, मेरा सफर शुरू हुआ एक 5 सेकंड के रोल से, फिर एजेंट विनोद, हैदर, इस तरीके से। एक फिल्म तो मैंने करी थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, सलमान खान की थे उसमें। अब सर मैं उसमें कहीं नहीं था उस फिल्म में, मगर एक्टिंग जरूर की थी उसमें, नजर भी नहीं आऊंगा मैं। आखिरी में सर पर्दे पे मेरा नाम मिला है, मेरा नाम क्रेडिट्स में है, मेजर मोहम्मद अली शाह। एक फिल्म मैंने की थी, इतनी बड़ी फिल्म नहीं थी, उसमें मैं था स्क्रीन पे, छोटा रोल था, मगर सर मजे की बात यह, मेरा नाम तो उसमें क्रेडिट्स में डाला भी नहीं। उसमें सबके नाम आते हैं, स्पॉट बॉय के नाम आते हैं, लाइट्समैन के नाम आते हैं, ड्राइवर के नाम आते हैं, मेकअप आर्टिस्ट के नाम आते हैं, एक्टर्स के तो आते ही आते हैं सर, मेरा नाम एक्स्ट्रा में भी नहीं था, एंड इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो वो सब ओके में खा चुका था सर। अब जब मेरे को ये 11 मिली सर, मैंने कहा ये है एक ऐसा मौका कुछ कर दिखाने का, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बिकॉज जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी सर, इट वॉज सेंट्रल कैरेक्टर, ही आई वुड से इज अ बैकबोन ऑफ द फिल्म, वो एक तरीके से फिल्म को फ्लैशबैक में ले आता है और कहानी नरेट करता है अपनी आंखों से, अपनी जबान से।
अच्छा और इट्स अ पीरियड फिल्म, हालांकि इट्स अबाउट फोर, आई विल नॉट रिवील मच, पर जितना लोग जिन्होंने ट्रेलर में दिखा होगा, जितना आ चुका है बाहर उतना बताऊंगा कि चार दोस्तों के बारे में है। अब ये चार दोस्त जवान से छोटे मोटे लूट मार से बड़े गैंगस्टर बन जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब गैंगस्टर होएगा तो उनके पीछे लगातार पुलिस होगी, पुलिस भी रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हूं वो पुलिस वाला सर। और ये ड्रीम रोल मैं इसको इसलिए कहता हूं क्योंकि इसमें जो मैंने मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे बहुत लोग कहते हैं यार यू लुक ग्लैमरस, आई डोंट नो व्हेदर आई लुक आई डोंट नो अबाउट दैट, बट बहुत लोग कहते हैं यू कैन प्ले अ लॉट ऑफ ग्लैमरस रोल्स, बट मुझे नहीं करना सर। मैं एक क्राफ्ट्समैन हूं, मैं एक एक्टर हूं, मैं एक आर्टिस्ट हूं, एक कलाकार हूं, मेरे कला से प्रेम है। स्टारडम वार्डम की मैं कभी सपने देखे नहीं कि भाई स्टार बन जाऊंगा, कभी रिच फेमस एंड वो मेरी चाह नहीं है सर। जब हम हैदर देख रहे थे, हैदर में पूरे 70 mm में मेरा इतना क्लोजअप आता है सर, इतना। तो मैं बाजू में जो बैठे हुए थे साहब, मैंने उनको पूछा भाई ये एक्टर है ये कौन है, तो वो मेरे को पहचान नहीं सके। पहली बात तो कोई नया एक्टर आया, कोई पहले कभी देखा नहीं, मगर देखो भाई काम तो बड़ा अच्छा कर रहा है। तो दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट। व्हाई? दो वजह से खास। पहली वजह, वो मेरे को पहचान नहीं सके, एंड एक्टर शुड बी लाइक अ कैमेलियन, बस ढल जाए उस रोल में। दूसरी वजह थी कि उन्हें बोला कि काम अच्छा कर रहे हैं, एंड दैट वाज अ बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यारा में मैंने उसी दिन सर दाढ़ी बनानी, हमारी फौज की आदत होती है उल्टा शेव करना, शेव नहीं उल्टा शेव करना, बिल्कुल उल्टा शेव करना, बिल्कुल। तो मैंने उस दिन दाढ़ी बनानी बंद कर दी। जो आदमी इरिस्पेक्टिव उल्टा शेव करता था उसने बंद कर दी। केश उगाने, बाल को मैं केश कहता था, केश उगाने शुरू कर दिए। सर मैं अमृतसर गया, अमृतसर में जब मैं गया, जब मैं पहुंचा और जब मैं ढूंढता भटकता गोल्डन टेम्पल की तरफ पहुंचा, सर गोल्डन टेम्पल को देखते हुए मैं रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं देखता ही रहा और देखता रहा, करीब 10 मिनट मैं बस खड़े होके गोल्डन टेम्पल की तरफ बस देखता ही रहा सर, स्वर्ण मंदिर। फिर जब मैं रोंगटे खड़े हुए, मैं अंदर गया सर, मैंने लोगों को बताया कि मेरा नाम अली है, पूरा नाम मोहम्मद अली शाह, मैं फौज में रह चुका हूं और मेरे को यहां पे रह के सिखिज्म के बारे में सीखना है। क्यों सीखना है भाई? सर केवल रोल के लिए ही नहीं, अपने लिए सीखना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है। एंड यू नो, जब तक मुझे खुद को अपने आप को यकीन नहीं आएगा कि मैं जसजीत सिंह हूं, अली नहीं हूं, मैं आपको या किसी और को यकीन कैसे दिलाऊंगा? उससे पहले मेरे को तो यकीन होना चाहिए ना कि मैं जसजीत। तो सर मैंने गोल्डन टेम्पल में वहां पे मैं दोस्ती करी, वहां ही बस गया। वहां पे मैं सेवा करी एक महीना, मैं फर्श पे झाड़ू लगाता था, पोछा लगाता था, लोगों के झूठे बर्तन कलेक्ट करता था, उनको धोता था, उनको लगाता था, खाना परोसता था, सुबह को 4 बजे उठ के डेग में चाय बनाता था। उसकी सब फोटोग्राफ्स मैंने अपने फेसबुक पे लगा रखी हैं। ये पूरी इतनी अच्छी यादें हैं। और सर मैंने पूरी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ी, कंप्लीट करी इंग्लिश वर्जन। और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी मुझे मालूम नहीं था, ऐसे नहीं पढ़ सकते कि ऐसे आके पढ़ लें।
आपको पगड़ी बांधनी पड़ती है, दाढ़ी केश होने चाहिए, कच्छा कृपान पूरे 5K होने चाहिए, और तब जाके मैंने कंप्लीट करी और मैं एक बदल बदल सा गया सर। मेरे को अपने आप के अंदर एक करिश्मा को कहते हैं एक अलग ही। एंड सर सबसे अच्छी बात तो ये है मैंने सिगरेट बिल्कुल छोड़ दी सरदार, स्मोकिंग नहीं कर सिगरेट, आई लेफ्ट इट कंप्लीटली सर, आई डोंट स्मोक टुडे थैंक्स टू दैट। मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया, इतने चेंजेस आए एंड आई रियली फेल्ट इट। मैंने पंजाबी सीखी लाइक यू नो, अब मैं पंजाबी तो नहीं हूं, मैं यूपी से हूँ, यूपी का भैया हूँ, मगर ठेठ पंजाबी सीखी नहीं थी। 6 मीटर की पगड़ी बांधनी सीखी, हाथ में कड़ा डाला एंड दैट इज इट। उसके बाद जब मैंने ये रोल करा तो तिग्मांशु धूलिया साहब तो बहुत खुश थे। मेरे फर्स्ट सीन जो था मेरा द ओपनिंग शॉट, किसी को उम्मीदें भी नहीं थी मेरे से कि कोई कुछ कर पाएगा। जब मैंने ओपनिंग शॉट करा अमित साध के साथ, तिग्मांशु धूलिया ने मेरे को बुलाया और गले लगा दिया, बहुत खुश हुए। मैंने बोला कि भाई बड़ा अच्छा काम कर रहा है एंड दैट वॉज एन इंकरेजमेंट सर। उसके बाद फिर शूटिंग होती गई और वो दाढ़ी और वो केश मैंने 2.5 साल रखे थे अपने पास, 2.5 साल। अच्छा, और मैंने कहा कि भाई अच्छा। और सर जी प्लीज प्लीज, हाँ जी बताइए सर। उसके बाद फिर बजरंगी भाईजान में मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग रोल आया था, वो आखिरी में एक फौजी आदमी नहीं है जो गेट खोलता है सलमान खान के लिए बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो बात चली कि वो रोल मैं करूंगा और मेरे पास थी बड़ी लंबी दाढ़ी केश और एक हुलिया बिगड़ा हुआ था, तो मैंने एक बहुत ही छोटा रोल किया था प्रिजन ऑफिसर का, जो लोगों को आस पास नजर भी नहीं आएगा। कई बार आप रोल करते हो, पैसे पूरे मिले, ये ईमानदारी की बात है, उन्होंने पैसे पूरे दिए, ऑन टाइम दिए, कोई उसमें शिकायत नहीं हुई। और सर यारा इज गोइंग टू बी अ मेक और ब्रेक फॉर मी, क्योंकि मैंने केवल 2-2.5 साल ही वो नहीं रखा, हुलिया नहीं रखा अपना सर, इसके लिए हमने कितना इंतजार करा है। कहते हैं पेशेंस पेज, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है सर। 2014 बिल्कुल, और ये 2020, अब जाके यारा रिलीज होने वाली है। 30 जुलाई को Z5 पे रिलीज हो रही है, इसके ट्रेलर टीजर तो आउट हो ही गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोग देखेंगे। मगर हाँ, एक दिलचस्प किस्सा सर, लास्ट सर, जब मैं इसकी डबिंग करने गया सर, खास ये हुआ, तब तो दाढ़ी मूछ में केश काट चुका था, तो जो डबिंग करने के लिए जो डायरेक्टर साहब थे वहां पे बैठे हुए, उन्हें सोचा कि जसजीत का किरदार को की डबिंग करने के लिए ये नया एक्टर आया हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने पूछा भाई तुम करोगे डबिंग जसजीत की, वो क्यों नहीं आ रहा है? मैं सर वो मैं ही हूं। नहीं तुम नहीं हो। तो उन्होंने बड़े पर्दे पे डबिंग स्टूडियो में दिखाया, ये तुम हो। मैं सर ये मैं ही हूं, ये मैंने ही काम किया है। सर दैट अगेन वाज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि पहचान नहीं पा रहे। एब्सोल्युटली दैट वे सर, नहीं बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। अली इस फिल्म में, यारा फिल्म में और कौन कौन है? हम स्टोरी लाइन की बात नहीं करेंगे, लेट दैट बी अ सरप्राइज। इसमें और कौन कौन एक्टर्स हैं इसमें? सर इसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कास्ट है। विद्युत जामवाल एक्शन हीरो, वो भी फौजी बैकग्राउंड से आता है, वो है लीड हीरो में। अमित साध, वो भी फौजी बैकग्राउंड से आते हैं, वो है लीड। अमित साध के साथ तो मैंने और भी काम किया, आगे बताऊंगा आपको इसके बारे में। श्रुति हसन है, कमल हसन साहब की बेटी, बहुत ही हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। सर संजय मिश्रा है, NSD के पास आउट। अच्छा, संजय मिश्रा, यस ऑफकोर्स। विजय वर्मा है, FTI पास आउट। केनी बासुमथरी है, श्रेया नारायण सर, अंकुर विकल, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं इसमें सर। अच्छा, तो अली एक बात बताओ मुझे, ये फिल्म आपकी यू नो इतने टाइम से चलती रही, आपने केश उगाए और आप एक एज अ सिख आपने लाइफ लीड करी, आपने सिगरेट छोड़ दी, आपने सेवा करी गोल्डन टेम्पल में, हरमंदिर साहब जी में जाके ये सब करा, एंड यू सेड दैट इट चेंज्ड यू एज अ पर्सन। अब मैं थोड़ा सा अलग ले जाता हूं और उसको मैं आपसे ये पूछता हूं कि कुछ एक्टिंग के टिप्स आपके अंकल ने दिया आपको, आपके चाचा ने दिया आपको, कुछ सिखाया? बिकॉज़ ही इज अ लेजेंड इन हिज ओन राइट, तो उन्होंने कुछ तो बोला होगा कि बेटा ऐसे करना, ऐसे करना। एब्सोल्युट सर, नसीर साहब को, मैं उनको नसीर साहब बोलता हूँ अब, क्योंकि बिकॉज एक तो अब इंडस्ट्री में वो सीनियर है, मैं तो वो चाचा मैं नहीं देखता, वो नसीर साहब है। तो नसीर साहब को मैं बचपन से देखता आया हूँ, उनके सेट्स पे, उनके प्लेस की रिहर्सल्स पे, उनके प्लेस देख देख के, घर पे ही सर खाने के वक्त मेज पे क्राफ्ट के बारे में बात करके। जब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाते थे NSD,
थिएटर वर्कशॉप्स करने के लिए, तो मैं भी उनके साथ में आता था पीछे 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 पीछे। तो 2001 की बात है जब मेरा पहली मर्तबा दाखिला नहीं हुआ था एनएसडी में, उस टाइम पे सब एनएसडी के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स थे। तीन लोग ऐसे थे जो एनएसडी के स्टूडेंट्स नहीं थे, उनको स्पेशल परमिशन मिल रखी थी बस वो वर्कशॉप करने की। वो तीन कौन थे? पहला था रणदीप हुड्डा, दूसरा था शाहिद कपूर और तीसरा था मोहम्मद अली शाह साहब, मैं। तो हम तीन थे, तीन लोग जी, हम तीन थे। उस टाइम पे हम में से किसी ने भी कोई भी एक फिल्म नहीं मिली थी हमको, कुछ नहीं था। तो उसके बाद रणदीप ने मॉनसून वेडिंग की थी, शाहिद कपूर को इश्क विश्क मिली और मोहम्मद अली शाह चले गए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए। तो लोगों ने कहा भाई तुम पीछे रह गए। मैं कहा ना, मैं सबसे आगे निकला हूं। क्यों? मैं तो रियल लाइफ का हीरो हूं एक तरीके से, हालांकि मैं खुद हीरो ना हूं, लेकिन मैंने मेरे को वो ऑनर है कि मैं कंधे से कंधा मिला के रियल लाइफ हीरोज के साथ चला हूं, उनके साथ अपनी भी जान जोखिम में डाली है। सर आपने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली, सर कई बार हम सब डाली है जी, और वो हमारा फर्ज है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया हमने, इट्स एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस एंड वी इवन टिल टुडे वी आर रेडी टू ले डाउन आवर लाइफ फॉर द कंट्री इफ इट इफ द नीड कम्स टू। Absolutely, we have walked with heroes. You have very well said. We have walked with heroes, and in a small way, you know, जो कहते हैं ना, जो stardust होती है, because we have walked in the shadow of heroes, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर भी वो stardust गिरती है, and you know, it makes a difference to the way we look at things, the way we look at life, our entire perspective changes. ये पूरे फौज के तो OTA में गए और ये सब। अच्छा, एक बड़ी interesting थी बात, आपने बोला कि glorified sport boy, आपने चाय भी पिलाई, आपने lights उठाई, आपने सब कुछ काम करा। अभी नेपोटिज्म की इतनी डिबेट हो रही है बॉलीवुड में, राइट? पर ये कैसे कोई, अगर आप किसी को बोलेंगे तो उसको विश्वास ही नहीं होगा। बोला अच्छा, ये तो नसीरुद्दीन शाह साहब का यही नेफ्यू है उनका, और उनके फादर के छोटे भाई हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, और वो बंदा ऐसे, मतलब कि रगड़म पट्टी, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिला कभी कि नसीरुद्दीन शाह साहब के आप नेफ्यू हैं, वो डिस्काउंट आपको नहीं मिला। रगड़म पट्टी पूरी हुई, फौज से लेकर इंडस्ट्री में रगड़म पट्टी चल रही है, बिल्कुल स्ट्रगल चल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब सी नेपोटिज्म, ये मैं बताऊं आपको सर, पॉलिटिक्स और फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी लाइन है कि कोई भी आपको बना नहीं सकता है। कौन आपको बनाता है? जनता है सर। आपका जब आपने लेटर लिखा था, ओपन लेटर, जब वो इतना वायरल हुआ था, तो कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है। सर, योर गॉड फादर वॉज गॉड एंड Everyone loved it. अभी भी ज़बान नहीं आ रहा आपके लेटर सर, जो मैंने पढ़ा था और शेयर भी किया हर जगह पे। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे मैंने ही नहीं, देश भर ने इसको शेयर नहीं किया, और ये खास वजह थी क्योंकि इट अपील टू अस। मगर अगर अपील नहीं करता कुछ भी और हम लोगों को बोले कि भाई ये है, ये मेरे दोस्त का लेटर है या मेरे बेटा है, भतीजा है, भांजा है, इसका ये काम कर दो, ठीक है, किसी हद तक दरवाजा खुल जाएगा एक, उसके बाद तो आपकी काबिलियत पे है। आप सबसे बड़े सुपरस्टार, मेगास्टार के बेटे, भतीजा, भांजाई, भांजा कुछ ना हो, लेकिन आपके अंदर दम कितना है। और मेरे को यह यकीन था सर, मैं ऐसा मानता हूं कि सर जिंदगी में हर किसी की लाइफ में एक दौर ऐसा आता है जहां पे सबको एक अपॉर्चुनिटी अपने आप को साबित करने की मिलती है, सबको, हर एक को। बिल्कुल। सवाल इतना है कि जब वो मौका आता है, आप कितने तैयार हो वो मौका पकड़ने के लिए। अगर सही बात थी, वेरी वेल सेड, हाउ रेडी आर यू, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है लेकिन आप कितने तैयार हैं उसको ग्रैब करने के लिए। वापस जाते हैं फिल्म जो यारा है, और यारा के लिए आपने बड़ी मेहनत करी और सब कुछ, फिल्म रिलीज हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार और हमारे दर्शकों को उसकी डेट बताएं, किस तारीख को कौन से प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है यारा। सर 30 जुलाई को Z5 पर रिलीज हो रही है, और हमने इतने साल इंतजार करा है इस फिल्म को रिलीज होने में। इट इज जेन्युइनली अ मेक और ब्रेक फॉर मी सर। इस पे मेरे नहीं, मेक है, ब्रेक नहीं अली, ये मेक है, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ ब्रेक। एंड हम लोग वील, आई विल पर्सनली वॉच दैट, एंड मैं सबको एनकरेज करना चाहता हूं, आप देखें, फौजी अफसर है, वी नीड मोर सोल्जर्स इन बॉलीवुड। तो इसमें विद्युत जम्वाल है, इसमें श्रुति हसन है, इसमें अमित साध है, एंड द वन एंड ओनली मेजर मोहम्मद अली शाह है इसमें। तो ठीक है, वेरी गुड। एक छोटी सी बात और याद आई सर,
आपने जिक्र किया था नसीर साहब से क्या सीखा, तो आई एम सॉरी आई ड्रिफ्टेड अ बिट, आई गॉट कैरिड अवे बाय समथिंग एल्स। मैंने प्लेस करे हैं, एक तो मिलिट्री प्ले है केन म्यूटनी कोर्ट मार्शल, हर्वन वुक की नॉवल थी उसके ऊपर प्ले बना था, तो उसमें वो नेवल कमांडर बने हैं, मतलब कैप्टन बने हैं बल्कि वो शिप के, और मैं उसमें सेंट्री बनाऊं कोर्ट रूम का, तो वर्दी उन्होंने भी डाली है, मैंने भी डाली है, और हम दोनों एक वक्त एक ही टाइम पे स्टेज पे हैं। और ये प्ले हमने साथ में किया था सर 1996 में, और एक टिकट उस जमाने में 500 रुपए का बिका था, तब की बात है ये। और हाल ही में अभी एक डेढ़ साल पहले विवेक अग्निहोत्री की फिल्म आई थी द टैशकेंट फाइल्स, तो इसमें भी मैंने भूमिका निभाई है, मगर लोग नोटिस नहीं किया होगा लोगों ने, छोटी भूमिका है। और मेरा एक बहुत ही पावरफुल सीन है सर, वो यूट्यूब पे है, वो कट गया था वो सीन नसीर साहब के साथ, जिसमें मैं हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी बना हूं और नसीर साहब होम मिनिस्टर बने, उनको मैं बुलाता हूं और मैं बोलता हूं कि क्या चल रहा है, इस तरीके से उनको मैं डांटता हूं, थोड़ा धपकाता हूं। नमस्ते आदित्य राज जी। हाँ नमस्ते, आइए आइए। What is happening, Natarajan ji? What, sir? Read this. Oh yes, yes, yes. I've read it, and I laughed. Please switch on the social media site, Vali. Twitter trending at number 1, Facebook trending at number 3, Instagram trending at number 1. You still want to laugh? Who killed Shastri? जैसे हमने मारा हो। It was a heart attack for God's sake. उनको पहले भी heart attack हो चुके थे। आप क्यों जवाब दे रहे हैं? We are not the guilty party. This is a plot. और आप देखिए कल तक सब भूल जाएंगे लोग। सोशल मीडिया के जमाने में लोगों को पास्ट में नहीं फ्यूचर में इंटरेस्ट है। आप सही कह रहे हैं, लोग भूल जाएंगे, हाँ, मगर ऑपोजिशन इसको नहीं भूलने वाली है। त्रिपाठी जी इस मुद्दे को तब तक ग्राम रखेंगे जब तक अगले चुनाव नहीं हो जाते। इफ आई नो त्रिपाठी जी, वो इलेक्शन में रिलीजन को ही मुद्दा बनाएंगे। रियली? चलाओ। शास्त्री जी मरे या मार दिए गए, शास्त्री जी की फाइल ओपन करो, ओपन करो, शास्त्री जी की फाइल ओपन करो, ओपन करो। मुद्दा बनेगा नहीं, बन चुका है। जो पॉलिटिशियन मुद्दा नहीं खत्म कर सकता ना, मुद्दा उसे खत्म कर देता है। देखिए नटराजन जी, दो बार आप लोकसभा का इलेक्शन हार चुके हैं, राज्यसभा की सीट से आप अंदर लेके आए हैं, अगर तीसरी बार आप इलेक्शन हारे ना तो आप खुद मुद्दा बन जाएंगे। ठीक है, तो समझिए मुद्दा खत्म। ठीक है, मिल सी जवाब नहीं है त्रिपाठी जी की टाइमिंग। एंड वो सीन है, तो उनको वो उनके साथ अपार्ट फ्रॉम लर्निंग सर, क्योंकि वो मेरे गुरु रह चुके हैं, मेरे मेंटोर हैं, जिस लड़के का दाखला नहीं हुआ था एनएसडी में दो दफा, वही आज की तारीख में सुभाष घई का फिल्म स्कूल है बंबई में, गोरेगांव में फिल्म सिटी में, विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, जहाँ के बाहर बाहर के देश से लोग आते हैं पढ़ने के लिए फिल्मों के बारे में, एक्टिंग के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, वहां पे मैं विजिटिंग फैकल्टी, परमानेंट नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, शुक्रिया सर, शुक्रिया। जी सर, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। जी मैं ये कह रहा था कि अली, इट्स योर जर्नी हैज बीन फैंटास्टिक। ये पूरा जो सफर रहा है ना, बहुत ही शानदार सफर रहा है, और बहुत ही जिसको कहते हैं कि ये जो स्ट्रगल्स है ना, खासतौर से जो स्ट्रगल जो आर्मी ज्वाइन करने के पहले हुआ, फिर जो ओटीए में हुआ, फिलोरा कंपनी, फिलोरा कंपनी था, एब्सोल्युटली सर सर, एंड फिलोरा, अच्छा, व्हिच कोर्स, SS-76 इज इट? यस सर, एब्सोल्युटली सर सर, आई एम सो इंप्रेस्ड बाय योर ग्रास्पिंग पावर। आप किसी चीज को एक बार पढ़ लेते हैं, बाय गॉड, मुझे आपसे ही इंस्पायर होके ना, जब मैं टीवी पे कई बार डिबेट्स में आता हूं, मैं एक तो सर आपके साथ में एक खास कनेक्शन आपसे इसलिए भी है सर, अगर आप याद, आप जब ओपन लेटर आपने लिखा उसके बाद आप सुर्खियों में जब आए सर, एक तरीके से नॉट दैट ऑफ दैट लेवल, मगर एक तरीके से मिलती जुलती कहानी मेरी भी है सर। 15 फरवरी को 2019 में मैंने ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट, आपसे इंस्पायर होकर, आपसे ही इंस्पायर होकर मैं वो खत लिखा था, और मेरे भी वो खत बहुत लोगों ने, कई लोगों ने शेयर किया, मैंने खुद पढ़ा था,
बहुत बढ़िया था वो। और उसी तरीके से मैं भी उसी दोपहर को CNN न्यूज 18 न्यूज एक्स टाइम बड़े बड़े चैनलों पे आने लग गया, डिफेंस एनालिस्ट, डिफेंस एक्सपर्ट, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। और मैंने जिंदगी में सर कोई भी आप समझ पाएंगे सर किसी भी तरह का फौज में भी डिफेंस एनालिसिस नहीं किया था ओवरनाइट। अली आई टेल यू आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू से, यू नो आई एम सॉरी, मैं एक बात बताता हूँ, लोग मुझे भी कहते हैं साहब ये मेजर गौरव डिफेंस एनालिस्ट, अच्छा मैं कहता हूँ यार मैंने कौन से डिफेंस का एनालिसिस कर लिया ये तो हाँ बिल्कुल, बिकॉज यू नो व्हाट वी डू इज वी स्पीक फ्रॉम द हार्ट, हम लोगों का क्या मामला है, हम टीवी पे जाते हैं और जो हमारा दिल कहता है हम वो बात बोलते हैं, हम कोई वी आर नॉट एनी यू नो जिसको कहते हैं कोई क्लॉथविच है या कोई रोमेल है या कोई पैटर्न है या कोई ऐसा बड़ा जनरल है सेकंड वर्ल्ड वॉर का, यू नो वन ऑफ दोज आइकॉनिक नेम्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट वट एवर वी फील इन आवर हार्ट्स, हमारा दिल करा। अच्छा दिल कौन सा वाला, देखो एक तो होता है ना कि ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर, हमारा दिल कंपनी कमांडर वाला है ना, सो फ्रॉम अ कंपनी कमांडर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ जूनियर ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव, उसमें थोड़ा सा लोग कहते हैं साहब कि बहुत ज्यादा अग्रेशन हो जाता है, अब यार फ्रॉम एन कंपनी कमांडर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, एग्जैक्टली सर सही बात है। आप सर कई लोग आपको भी सर जनरल से कंपेयर करते हैं, ठीक है सर, फैक्ट इज जनरल साहब ने तो 40 साल की नौकरी देखी ना फौज में, हम तो अब लाइक सर यू आर ट्रूली एन आइकन एंड अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी सर, यू आर माय रोल मॉडल। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मैं जब भी टीवी पैनल में जाता हूँ और मैं उसे पहले पूरा पढ़ के रिसर्च करके जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को ऐसे बोलना है, मैं हर एक चैनल को बोलता हूँ जैसे मेजर गौरव आर्या साहब बोलते हैं, हर एक फैक्ट्स को लॉजिकली एक्सप्लेन करते हैं, आपसे तो कोई मतलब नो वन कैन रिब्यूट यू बिकॉज़ यू हैव योर फैक्ट्स इन योर नो अली सो काइंड ऑफ यू। मैं एक बात कहता हूँ ना, जैसे जो हमारे जनरल्स है ना दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, 30-40 साल, मतलब इन्होंने इतनी पढ़ाई करी होती है, इतना एक्सपीरियंस उनका होता है कि देखिए जब मैं था ना वहां पे तो मैंने एक चीज सोची एंड दैट वाज आल्सो अ टैक्टिक, लाइक ऑल द ब्रिगेडियर्स एंड द मेजर जनरल्स दीज आर सच सीनियर पीपल, इन्होंने टैक्टिक्स तो क्या स्ट्रेटजी पूरी घोल के पी रखी है, यू कैनॉट कम्पीट विद देम, मुझे 50 साल लग जाएंगे पढ़ पढ़ के तब जाके आई विल मेक सेंस, वो जिस लेवल का एक्सपोजर उनको यार, somebody is commanded a core, somebody is commanded a command, हमारा उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मैंने एक चीज बोली यार, मैंने बोला साफ सीधी बात है, देखो वहां पे जाएंगे दिल से बोलेंगे, लेट्स लुक फॉर अ पब्लिक कनेक्ट, अपनी दिल की बात बोलेंगे, जो दिल में हमारा सच है वो बोलेंगे, और वो कनेक्ट हो गया, और ये कनेक्ट मुझे लगता है कि आप भी अपने रोल्स में कोशिश करने की यू ट्राई योर बेस्ट कि कहीं ना कहीं यू कैन स्पीक टू द ऑडियंस। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन मेजर मोहम्मद अली शाह गोज and he goes and stays at the golden temple, सुबह 4 बजे उठ के लोगों को चाय पिलाना, जूठे बर्तन उठाना, उनको खाना खिलाना, झाड़ू पोछा करना, सेवा करना लोगों की, अपने केश उगाना, कड़ा, यू नो ये सब पूरे जो 5 K's हैं, ये सब मानना, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना, ये क्या है, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल कनेक्ट, यू ट्राइंग टू फाइंड दैट कि वॉट लिंक्स यू एंड देन दैट मेक्स यू नॉट जस्ट अ बेटर एक्टर, इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन ऑल्सो, ना कहीं तो ये बात है, बिल्कुल है सर 100% है। और सर ये सब मैंने लाइक सेक्युलरिज्म ये सब फौज से सीखा है, ऑलिव ग्रीन से, सर कहां पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इतनी सेक्युलर होगी सर, देवलाली में आर्टलरी सेंटर है, वहां पे एक रोड है, वहां पे एक जगह पे मंदिर, उसके बाजू में मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, चारों एक ही साथ में है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी सर। जब मैं राजपूत में आर्टलरी में था, मेरे कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रूप्स था प्योर राजपूत, बिल्कुल सर, एज अ यंग लेफ्टिनेंट साहब सर, माय मैन यूज्ड टू कॉल मी अली सिंह साहब, मैंने ये वाली मूंछ रखी सर, वो गल मूंछ नहीं होती, वही मैं मूंछ मैंने हैदर में रखी, बिल्कुल इस राजस्थान में रखते हैं, बिल्कुल मूंछों तक यहां तक। एंड इसकी एक वजह और भी थी, एज अ बॉय आई वुड कॉल इट अ बॉय, जो यंग 20s में है अपने, अर्ली 20s में, व्हेन ही इज कमांडिंग ओवर मैन, कोई हवलदार, कोई JCO साहब, सफेद बाल है उनके, तो थोड़ा एक शर्म भी आती है एक तरीके से, और मेरे को आदत नहीं थी, आई शुड कॉल देम भैयाज एज एन आर्मी ऑफिसर सन। अब जब मैं हकीकत में ऑफिसर बन चुका था तो उनको बाय नेम पुकारना था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल, तो लुक ओल्डर एंड टू बी टेकन अ बिट सीरियसली बाय देम, तो इसलिए मैंने वो मूछ रखी थी, एंड आई फॉलोड ऑल द ट्रेडिशन, तब भी मैंने साफा बांधना सीखा सर, तलवार डांस सीखा, और जो राजपूती साफा पहनते हैं, अच्छा करेक्ट सर, करेक्ट। और अब फौजी हम भी आप देख लिए,
लोगों को गलत फहमी है कि फौज क्या करते हैं, वो बंदूक लेके बस बॉर्डर पे दौड़ते हैं, ये लोगों को गलत फहमी है। मगर फौज इतना कुछ सिखाती है सर, होटल मैनेजमेंट से लेके हॉस्पिटैलिटी लेके अकाउंट से लेके, मतलब जो कैंटीन ऑफिसर करा है, क्वार्टर मास्टर क्या है, एजुरेंट क्या है, तो सब कुछ एचआर के बारे में आ जाएगा आपको, इतना कुछ सिखा देती है फौज। लाइफ स्किल्स आज की तारीख में सर फौजी कहां कहां नहीं चमक रहे हैं, बिल्कुल। आप कोई भी पॉलिटिक्स में देख लीजिए, कर्नल राघवेंद्र सिंह राठौर, आपको देख लीजिए टेलीविजन पे मेजर गौरव आर्य, सर यू नेम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू नेम एनीथिंग। अभी ट्यूलिप नामी कंपनी है, कर्नल बेदी है उसके सीएमडी, सेल्फ मेड मैन, ही मेड इट ऑन हिज ओन, सो यू नेम इट। और डीएलएफ इज ओन्ड बाय अ फौजी, डीएलएफ इज ओन्ड बाय अ फौजी, यस कर्नल केपी सिंह, मेजर केपी सिंह, सॉरी। अब सर बाहर हॉलीवुड में जो सर कुछ ऐसे, एल्विस प्रेस्ली तो फौज में सोल्जर था, वो तो जवान था, सोल्जर था। और हॉलीवुड में कई एक्टर ऐसे आए हैं जो फौज में स्टेंट करके आए हैं, आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, खैर मैं तो नहीं जानता हूं, आए होंगे, राजकुमार आए थे जो पुलिस में थे, जो जाने जो बड़े अच्छे एक स्टाइल, एक अच्छे लहजे में अपने डायलॉग डिलीवर करते थे, सर फौज में आज तक कोई नहीं आया है। और यही एक वजह है कि आप देख लीजिए सर, जितने भी फौज सर 31 जुलाई को एक दिन बाद, 11 के एक दिन बाद एक वेब सीरीज की थी मैंने अमित साध के साथ, ही हुई है वो भी रिलीज हो रही है सर। अब सर फौजी जितने भी मैंने देखे हैं, वर्दी उल्टा डाल देंगे, या तो आर्टिलरी बैज और इन्फेंट्री का कोई पलटन का लाइन यार्ड, और पता नहीं क्या अपना, उनको अगर समझाओ भी ये ऐसा ही तरीका नहीं है, ये तरीका है, वो अपना कुछ बोल देंगे, नहीं नहीं एक फौज की कोई प्रोटोकॉल है, सीक्रेसी मेंटेन होती है, हम डिस्क्लोज, पता नहीं अनाप शनाप ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। मैं अली आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, लेकिन यही चीज हुई थी कि ये यू आर अवेयर, वेरी वेल अवेयर, इनको मैंने ये पता नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में ये लोग सोचते हैं कि फौज की कोई, अगर आप यहाँ पे कुछ लगा लेंगे तो फौज की कोई सीक्रेट आउट हो जाएगी, कोई सीक्रेट नहीं है भाई, रैंक्स आर नॉट अ सीक्रेट, इंटरनेट पे सब मिलता है। और फौज तो कहती है, अच्छा फौज ने, इंडियन आर्मी ने कहने, अब कहना छोड़ दिया इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्मी कहती है रैंक्स तो ठीक से पहन लो यार अपने, इसमें क्या सीक्रेसी है, कुछ तो ठीक से, अब वो कोई रिबन्स पहना हुआ तो उसमें कोई पुलिस, वो प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल लगा रखा है, बगल में शौर्य चक्र भी लगा रखा है, उसका अशोक चक्र भी है, वो पता नहीं उसने 25-30 अलग अलग मेडल लगा रखे हैं, और बोला है कि कैप्टन साहब, कैप्टन साहब के 3 रो रिबन कहां से हो गए भाई, कौन सा कैप्टन है ये, जिसका नेवी का कैप्टन है तो समझ में आता है, आर्मी के कैप्टन की तो बस की बात नहीं है। तो दीज थिंग्स हैपन, सो आई थिंक विथ योर कमिंग इनटू द फिल्म इंडस्ट्री, वी होप कि आप शाइन करोगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि यू नो, ये एक जेन्युइननेस आएगी, फौज का एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगा। मैं हर समय कहता हूं कि फौज पे जो फिल्म बनाते हैं ना, दे आर ओवर्टली ड्रामेटिक, अननेसेसरीली ड्रामेटिक, मतलब जो कि लेना देना नहीं है उस चीज का उससे। और फौज में असल जिंदगी में होता नहीं, तो फौजी तो बड़े हंसते हैं उस चीज को देख के, यार ये क्या हमें, यू नो दीज पीपल आर लुकिंग लाइक दिस, बट चलो आपके आने से वो होगा। अच्छा एक और बात बताइए, सो यू सेड दैट यू सर्व्ड इन अ राजपूत यूनिट, आपकी यूनिट में प्योर राजपूत थे, तो आपने उनके कौन से कस्टम्स और कौन से ट्रेडिशन सीखे राजपूतों के? सर जब दशहरा के टाइम पे बलि जो होती है, तो हम लोग इट्स लाइक सर, बिकॉज इन फौज देयर इज ओनली वन रिलीजन व्हिच वी फॉलो, व्हिच इज द इंडियन आर्मी, द कंट्री कम्स फर्स्ट, सो जो बलि होती थी, झटका होता था, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट एवरी टाइम, मंदिर परेड, तो मंदिर है तो परेड, but it's a very secular thing, sarv dharm sthal, it's for all religions, and iske alawa sir mujhe karni mata aarti hai by aarti hai by heart, durga mata aarti aati hai by heart, main safa bandhna sikha, talwar dance aata hai mere ko, and the basics like you know khamagani hukum aao bana, you know basic jo rajasthan ki rajput bolte hain, this I didn't learn bilkul when my father was commanding, he commanded the same regiment sir, 170 medium regiment, artillery regiment hai, और उनकी जबरदस्त बड़ी बड़ी मूछे थी जब वो सीओ थे। तो जब मैं पलटन में गया सर, आपको बताता हूँ एक दिलचस्प बात, तो जितने जेसीओ थे उस टाइम पे, सीनियर सूबेदार मेजर थे, सूबेदार साहब थे, वो मेरे फादर के कमांड में रंग रिक्रूट थे, जूनियर, वो लास्ट रैंक भी नहीं थे, वो आए हुए थे, उन्होंने की कमांड देखी हुई थी, तो दे टेंड टू कंपेयर यू, बोलते साहब आप तो वे हाउ मच हाउ गुड यू डू, बोलते साहब जनरल साहब तो जब कमांडिंग ऑफिसर थे तो ये पहाड़ को बस यूं खा जाते थे, the term is यूं खा जाते थे, means चढ़ना, so then you are under pressure, you want to really do it, I knew those parallels would be drawn somewhere, वो भी मालूम था,
और सर फिल्म इंडस्ट्री में अभी इट्स अनफेयर टू कंपेनी विद अ लेजेंडरी आइकन लाइक नसीरुद्दीन शाह हूज पद्मश्री पद्म भूषण सोमी नेशनल अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड गॉड नोज व्हाट ऑल ऑनर्स हीज वन बट उनसे जो मैंने सीखा है सर बिकॉज एक्टिंग चीज ऐसी है इवन एज अ फैकल्टी एट व्हिस्टलिंग बट आई टेल माय स्टूडेंट्स एक्टिंग चीज ऐसी है कोई आपको सिखा नहीं सकता आप सीख सकते हैं लाइक देयर इज अ सर्टिफिकेट आई हैव अ सर्टिफिकेट फॉर एग्जांपल दैट आई स्पीक फ्रेंच अब मैं उस सर्टिफिकेट को लेके पेरिस में उतरूंगा सर्टिफिकेट को बैग से निकालूंगा माथे पे चिपकाऊंगा और घूमता रहूंगा कुछ नहीं होने वाला आती नहीं फ्रेंच मेरे को अब ये है कि सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास मगर मेरे को फ्रेंच बोलनी आती है तो मैं जाऊंगा उतरूंगा वहां बोलूंगा बोंजो कोमा तालेवू और उस तरीके से अपना रास्ता मैं निकाल लूंगा और अगर सर्टिफिकेट भी है तो नौकरी भी मिल जाएगी आई विल बी एबल टू सर्वाइव इवन बेटर सो मैंने कई सारी चीजें सीखी वहां पे राजपूत ट्रेडिशन सीखे और फौज में सर आप जानते हैं एवरी वी आर एक्टर्स इन अ वे एक तरीके से और खास तौर से कई एक्टर्स जो कई ऑफिसर्स जो होते हैं भेष बदलते हैं अपना इंसर्जेंसी वहां पे घुल मिल जाते हैं कई कई दिन नहाते नहीं है क्योंकि इफ यू हैव टू बी देयर यू हैव टू कम इन टू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एज एन एक्टर ही नहीं इंटेलिजेंस ऑफिसर हमारे वो भी तो सर आई मीन दीज आर थिंग्स व्हिच आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द आर्मी एंड व्हाटएवर आई हैव टुडे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और दुनिया में सबसे ज्यादा टेडएक्स टॉक्स पे इनविटेशन वो क्यों आया सर जब मेरे को पहली मर्तबा ऐसा इनविटेशन आया आई वाज वेरी शॉक्ड वेरी सरप्राइज्ड मतलब मेरे को नहीं गलत आ गया है मैंने कुछ ऐसा कुछ खास काम तो करा नहीं है टेडएक्स पे बोलना मेरे जहन में था कि हाई अचीवर्स गो एंड स्पीक ऑन टेडएक्स फिर जब मैंने टेडएक्स टॉक दी सर इट वॉज गॉड विल क्योंकि अमृतसर में मैं रह चुका था सब सेवा कर चुका था लोग कहते भी हैं कि आपके सिर पे वाहेगुरु की कृपा रहेगी बहुत लोगों ने बोला है बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया है और अमृतसर में ही मेरी फर्स्ट टेडएक्स टॉक थी इंसिडेंटली 15 मिनट की ड्यूरेशन में सर मेरे को 3 स्टैंडिंग ओवेशन मिले उस टॉक के दौरान लोग खड़े हो रहे हैं एक खास वजह इसलिए नहीं कि मेरी टॉक अच्छी थी इसलिए कि अमृतसर में फौज के लिए इज्जत बहुत है सर तो लोग खड़े होके पूरे पंजाब में और वहां पे मेरे को मेल ना आ गई हो इनविटेशन मेल गुड आफ्टरनून रायपुर जय हिंद हाउ द जोश Excellent. If you all are thinking I'm speaking a dialogue from a movie, I definitely am not. No, I really am not. We would like you to speak. तब मेरे को समझ में आया क्यों मेरे को इतने बार बुलाया गया. इसलिए नहीं कि कोई अचीवर हूँ क्योंकि मैं मानता था कि अगर माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है या इंग्लिश चैनल स्विम किया है या ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है तभी आप टेडेक्स पे आ सकते हो ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर तो ऐसा है कि मुझे समझ में आया फौजी जिंदगी कॉर्पोरेट जिंदगी मॉडलिंग के हुए आई वाज मिस्टर पुणे टैलेंट इन 1999 सर तब मैं मॉडलिंग थ्रू की अपना कॉलेज का पॉकेट मनी मैंने अपनी कॉलेज की फीस मैंने खुद पे की सर मैं थोड़ा पैसे कमाए थे अपार्ट फ्रॉम डूइंग सम ऑड जॉब्स एंड इन एफटीआई एंड अदर कैंपेनिंग ऑलराइट तो वो सब तजुर्बा कितने आइडियाज हैं बिकॉज़ टेडएक्स इज ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट आइडियाज फिर एक होती है जोश टॉक्स में इंग्लिश में और हिंदी में अभी मैं दोबारा इस पैंडेमिक में उनसे काम उनके साथ काम कर रहा हूँ सर तो मैंने एक चीज और सीखी एज अ मोटिवेशनल स्पीकर हमारे खानदान से पहली बार तो कोई आज तक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हुआ था सर एंड सर आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस बिकॉज़ आई एम विद यू आई एम यू नो इट आई हैव लर्नड इट ऑल बाय वॉचिंग आपका कोई एक वीडियो मेरे को बता दो सर कोई एक वीडियो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर मैं जो मैं नहीं देखा क्या बात कर रहे यार सुनो तो मैंने अली, you know what? मुझे लगता है हम दोनों ना फौज के फैन है एक्चुअली आई थिंक हमें ओटीए ने और अपनी रेजिमेंट्स ने और अपनी यूनिट्स ने बनाया है ये बात सच है अगर अगर हम फौज के नहीं होते ना तो जो भी थोड़ा बहुत हमें लाइफ में सक्सेस मिला वो मिलता नहीं और जो रेजिमेंटेशन होता है फौज में जैसे आपको भी रेजिमेंटेशन के थ्रू यू वेंट थ्रू दैट यू नो दैट पाइपलाइन आई ऑल्सो वेंट थ्रू दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ यू नो ज्वाइनिंग अ यूनिट योर्स वॉज अ पेरेंटल क्लेम बिकॉज Your father has commanded that unit, etc. And I got commissioned into 17 Kumo. ये सब लोग बड़े फक्र की बात है बड़े और मैं लोगों से यहाँ पे encourage भी करूंगा कि जो देख रहे हैं जैसे मेजर मोहम्मद अली शाह ने करा जैसे मैंने करा आप लोग भी एक बार जरा
फौज ज्वाइन करें, थोड़ा सा देखें आइडिया। आइडिया ये नहीं कि यू सर्व फॉर 30 years 40 years, ये नहीं आइडिया। आइडिया ये है कि आप फौज से सीखें, क्योंकि पेट्रियोटिज्म के लिए, जैसे मेजर मोहम्मद अली शाह ने भी बोला कि देशभक्ति के लिए जरूरी है यहाँ कि आप वर्दी पहने। वो डॉक्टर भी देशभक्त है, वो वकील जो ईमानदारी से वकालत करता है वो भी देशभक्त है, वो इंजीनियर जो सीमेंट में कुछ मिक्स नहीं करता और ईमानदारी से स्ट्रक्चर बनाता है वो भी, ये तो उतना ही बड़ा देशभक्त है जितना वो सियाचिन ग्लेशियर में फौजी बैठा है और वहां पे अपनी ड्यूटी कर रहा है। अली, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द व्यूअर्स, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यारा। जो आपने बोला ना मेक और ब्रेक, मैं आज आपको प्रेडिक्शन करता हूं, इट इज अ मेक मेक मेक, देयर इज नो ब्रेक। और जैसा कि सुबेदार मेजर साहब ने आपको बोला था ना, आपकी यूनिट में सुबेदार मेजर साहब ने बोला था ना कि जब जनरल साहब सीओ थे तो खा जाते थे पहाड़, मैं कह रहा हूं बॉलीवुड जाओ और खा जाओ बॉलीवुड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्रदर। All the very best to you, brother. All the very best to you, brother. Thank you, sir. Thank you. And such a pleasure talking to you. And thank you very much. All the best for Yara. Or मैं जरूर देखूंगा. Then we'll chat on the phone. ठीक है? Thank you, sir. Thank you very much. So kind of you, sir. Thank you. Thank you, brother. And Jayant. Jayant. Bye. See you. Bye. Bye.